और बताते हैं, आपको समझाते हैं। एक सवाल है, यहाँ पर देखेंगे एक ऐसा है समलंब चतुर्भुज। क्या है? समलंब चतुर्भुज पढ़े हुए हैं, देख लेंगे। यहां से इसको क्या कर देंगे, ऐसा, ठीक है। अब देखिए ए बी, उसके बाद में सी और डी, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसका लंबाई जो है यहाँ से, यह 72 है, कितना है, 72 मीटर है, और यह 40 है, 40 मीटर, तो यह हो जाएगा कितना, 72 में से 40 घट गया तो कितना बचेगा, 32 मीटर हो गया। अब चलिए ये भी 40 दे दिया है, ठीक है। अब ट्रायंगल देखेंगे, इस ट्रायंगल में देखिएगा, यहाँ पर इसका नाम ई है, यहाँ देखिएगा ट्रायंगल बी ई सी में, या बी सी ई में, हो गया, बी सी ई में एंगल ई, एंगल ई बराबर 90 डिग्री हो तो, ठीक है, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, ई सी बराबर रूट एंडर बी सी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ पर देखिए बी सी कितना है, 40 है ना, और बी ई कितना है, 32 का स्क्वायर। तो देखेंगे, दिखाई नहीं दे रहा है, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, अब 32 का स्क्वायर कितना होगा, 1024, घटेगा तो कितना बचेगा, घटाइए इसको, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, और ये बच गया 5, 5 ये 5 के 5 बचेगा, हो गया, इतना ही रहेगा 576। अब क्या हो जाएगा, ई सी बराबर हो जाएगा, 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24, कितना हो गया, 24 मीटर हो गया। अब निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग होता है। तो समांतर भुजा कौन है, ए बी प्लस सी डी अगुने ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो गया, ई सी हो गया। अब इसमें कर दीजिए 1/2, और ए बी कितना है, 72, और सी डी, और ये कितना आया, 24 आया है। इसका क्रिया कर दीजिए 1/2 दो जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2 और 4 7 4 11 गुने 24, काटेंगे तो 12, 112 गुने 12 बराबर कितना जाएगा, गुना कर लीजिए इसको, 12 दूना 24 के 4, हासिल 2, अब 12 दू 14, अब 12 आ 1 13, कितना ही होगा ना, ठीक है। तो इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ, आंसर क्लिक कर दीजिए, हो गया।